हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं आपका रफ़ी सर, और आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको देने जा रहा हूं कन्वर्जन का ट्रिक। डैट मीन्स बायो मॉलिक्यूल में एक फिशर प्रोजेक्शन को हावर्थ में कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में मैं ट्रिक देने जा रहा हूं। लेकिन ट्रिक देने से पहले जो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको जान लें। देखो, फिशर प्रोजेक्शन मतलब जो ओपन चेन वाले होते हैं, राइट? ओपन चेन या फिर यू कैन से नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन। अभी मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ। और हावर्थ प्रोजेक्शन मतलब जो साइक्लिक आपका रिप्रेजेंटेशन है, साइक्लिक प्रोजेक्शन है, उसको बोलेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन। नाउ जो अपने को पढ़ना है सिलेबस में, वो हमें हेक्सोज पढ़ना है, मतलब सिक्स कार्बन वाला आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, जिसमें एक होता है एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज मतलब क्या हो गया कि उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, दिख रहा है लिखा हुआ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। तो जब एल्डोहेक्सोज को जो फिशर प्रोजेक्शन में होंगे उसको हावर्थ में कन्वर्ट करोगे तो उसका नाम हो जाएगा पायरेनोज, क्योंकि वो पायरेन की तरह आपको दिखेगा। और पायरेनोज का मतलब क्या हो गया कि इसमें 5 कार्बन होंगे आपके पास और 1 ऑक्सीजन होंगे। ये जो 6 मेंबर रिंग होगी, ध्यान दें कि ये एक 6 मेंबर रिंग होगी, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें 5 कार्बन होंगे, 1 ऑक्सीजन होंगे, तो उसको बोलेंगे पायरेनोज। कन्वर्जन ऑफ एल्डोहेक्सेज किस में जाएगा? पायरेनोज में। पायरेन से बना है, यहाँ से लिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो पायरेन में कितना है, 6 टोटल रिंग में 6 एलिमेंट है, जिसमें से 5 कार्बन है जिसको ब्लैक कलर से दिखाया और एक आपका ऑक्सीजन है, तो इससे मिलता जुलता है, इसलिए इसको बोलते हैं पायरेनोज। ध्यान दें कि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये चीज ध्यान दें। एक है दूसरा कीटो हेक्सोज। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा आपके हेक्सोज में तो उसको बोलेंगे कीटो हेक्सोज, और इसको जब कन्वर्ट करोगे आप हावर्थ में तो इसका नाम होगा फ्यूरेनोज। और अगेन ये किससे बना है? तो फ्यूरेन से बना है। और यहाँ पे जो आपकी रिंग बनेगी वो कितने मेंबर की बनेगी? तो ये 5 मेंबर रिंग रहेंगी, इसलिए इसमें 4 कार्बन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। ये जो रिंग बनाना है वो आपको 5 मेंबर रिंग बनाना है, जिसमें 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। चूंकि इसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता है इसलिए फ्यूरेनोज नाम पड़ा। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपको 6 मेंबर रिंग बनाना है, जिसमें से 5 कार्बन होगा रिंग में और 1 ऑक्सीजन होगा। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपको 5 मेंबर की रिंग बनानी है, जिसमें से 4 कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। जैसे अल्डिहाइड वाला मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल, और जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप ग्लूकोज को कैसे याद रखोगे? तो मेरा सिंपल सा ट्रिक है 3G से। 3G का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपका टॉप पे होगा और 4 OH जो कायरल वाले होंगे और 1 CH2OH। 3G का मतलब क्या है कि आपको सारे OH को तो राइट साइड में रखना है, ओनली कार्बन नंबर 3 पे OH को लेफ्ट में करना है। तो देखो ये कार्बन नंबर 1, नंबरिंग यहीं से होगा, डॉन फंक्शनल ग्रुप है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3G से मेरा सेंस क्या है कि थर्ड पे सिर्फ चेंज करना आपको, तो 2, 3 पे इधर OH आ जाएगा और इधर H। बाकी सब में आपको क्या करना है, बाकी सब में राइट साइड में आपको OH रखना है। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया किसका? ग्लूकोज का। तो ये जो प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ये आपका है फिशर प्रोजेक्शन। अब इस, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो ये हो जाएगा हावर्थ, और इसका नाम, कॉमन नेम क्या रहेगा? पायरेनोज। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कीटो हेक्सोज के बारे में, तो उसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो आप इजीली क्या करो, CH2OH और कीटोन, चूंकि कार्बन के दोनों साइड सी डबल बॉन्ड हो के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, इसलिए बीच में सी डबल बॉन्ड आएगा, और उसके बाद आपके पास ये कायरल सेंटर और CH2OH। तो इसका नाम तो आपको मालूम हो गया है कि ये क्या है, ग्लूकोज।
तो ये अल्डोहेक्सोज का बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज। कैसे बनाएंगे, तो हमने इसके लिए ट्रिक दिया, क्या दिया आपको, 3D। 3D का मतलब क्या हो गया, सारे OH को राट में रखना है, सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे चेंज कर देना है, उल्टा कर देना है। वैसे इसको भी 3D से ही याद रखेंगे, बट द कंडीशन इज कि कैसे, तो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो 1, 2, 3 3 पे यहाँ पे भी चेंज करना, मतलब इधर OH होगा और इधर H होगा, बाकी केस में आपको OH राइट साइड में रखना है। तो ये हो गया आपका फरक्टोज, जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और इसको भी कैसे याद रखेंगे, 3D। तो देखो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इजी याद रखना है, आपको समझा दिया, 3D वर्ड से मतलब थर्ड कार्बन पे आपको चेंज कर देना कॉन्फ़िगरेशन को, सिर्फ बाकी सब में राइट में OH होंगे। तो ये जो हमने लिया एग्जांपल, ये आपका कैसा है, कीटो हेक्सोज, क्योंकि 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कीटो हेक्सोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका जब कन्वर्जन आप हावर्थ में करेंगे साइक्लिक एस्टर में, इसको बोलेंगे फिरानोज, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता होगा। और जब ये बनेंगे तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 5। ये भी कैसे, वो भी समझ लो, यहाँ पे क्या होगा, ये जो लास्ट काइरल सेंटर वाले OH होते हैं वो अटैक करते हैं इस कार्बोनिल कार्बन पे। तो आप देख सकते हो ये रिंग 6 मेंबर कैसे बनी, एक तो ये 1, एक ये वाले 2, एक ये वाले 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। तो इसलिए इसमें हमें 6 मेंबर रिंग बनाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। आपको अगर बनाना हो तो ये ऑक्सीजन इस टाइप से, बाकी स्ट्रक्चर कैसे लगाएंगे, ग्रुप कैसे लगाएंगे, उसके बारे में ट्रिक दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक 6 मेंबर रिंग हो गई आपकी, जिसमें 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये हो गया आपका पायरेनोज। और अगर सपोज करो इसका बनाना होता तो अगेन ये वाला आपका अटैक करेगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो इसमें आपको ऑक्सीजन के साथ 5 मेंबर रिंग बना देना है, तो ये आपका हो गया फ्यूरेन टाइप का, तो ये हो जाएगा फ्यूरेनोज। तो इट्स वेरी इजी, राइट। अगर अल्डिहाइड होंगे तो 6 मेंबर रिंग बनेंगे, जिसमें 5 कार्बन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो 5 मेंबर रिंग बनेंगे, जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की और उसके एप्लीकेशन की। तो देखो ट्रिक का बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जो फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप आपको राइट में दिखेगा, फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप राइट में होगा, हावर्थ में उसको डाउन कर देना है। याद कैसे रखेंगे, आर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D वर्ड से, R&D होता है राइट, R&D सेक्टर होते हैं, तो राइट वाले को डाउन में करना है, तो लेफ्ट वाले अपने आप क्या हो जाएंगे, अप आ जाएंगे। और जो CH2OH है डाउन वाला, सबसे नीचे वाला, उसको ऑलवेज आपको अप रखना है। तो ये ट्रिक का पॉइंट है कि फिशर से हावर्थ में जाएंगे तो राइट, जो फिशर में जो ग्रुप राइट में होंगे उसको डाउन में करना है, लेफ्ट वाले को अप में, और CH2OH जो सबसे नीचे वाला उसको ऑलवेज अप, वो फिक्स है ऑलवेज अप। ट्रिक का दूसरा पॉइंट कि हावर्थ में अल्फा या बीटा कब लगाते हैं, तो अगर आपका OH अप हो गया तो बीटा। याद कैसे रखेंगे, आप केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे भी, जो बेस होता है उसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, BOH से। तो बड़े लोग ऊपर होते हैं, एवं BOH, तो OH अगर अप होगा तो बी फॉर बेस, बी फॉर बीटा, तो उसको बीटा बोलेंगे, और अगर H अप हो गया तो उसको अल्फा। याद कैसे रखेंगे, HA, अगेन इक्विलिब्रियम में जो वीक एसिड होंगे उसको HA से, मोनोबेसिक एसिड को HA से रिप्रेजेंट करते हैं। HA का यहाँ पर क्या मतलब है कि H अगर अप है तो अल्फा, और अगर OH अप है तो बीटा। बड़े लोग ऊपर होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, बड़े लोग ऊपर होते हैं तो एबव तो बीटा, बी फॉर बड़े लोग, OH एबव तो बीटा। तो ये ट्रिक का पॉइंट है। नाउ मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप ध्यान से देखो, तो ये पहले है क्या वो पता कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन नंबर आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 कार्बन वाले अल्डिहाइड हैं, तो ये एल्डोहेक्सोज हैं। यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ये आपका कौन सा है, ग्लूकोज।
ग्लूकोज में भी कौन सा है, ये डी कॉन्फ़िगरेशन में या एल में, तो उसके लिए बताया था लास्ट कायरल सेंटर ये है, इस पे OH जो है आपका वो राइट साइड में, तो ये कैसा है डी ग्लूकोज, ये है आपका डी ग्लूकोज। अगर इसका हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल, समझाने के लिए ये लोन पेयर आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, 3 सिग्मा से 0 लोन पेयर से sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर आप देख सकते हो, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इस पे जो अटैक है वो अप से भी हो सकता है और डाउन से भी हो सकता है, तो दोनों साइड से अटैक हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अगर ये अटैक करता है तो आपको कैसे बनाना, बहुत सिंपल है, आपको सिंपल क्या करना है, ध्यान से देखो ये आप इस सबको भूल जाना है, आपको क्या करना है एक 6 मेंबर रिंग बनाना है जिसमें आपको ऑक्सीजन को ऐसे कर देना है इस टाइप से, बहुत ईजी है, ये 6 मेंबर रिंग बना दिया, ये जो ऑक्सीजन के इधर राइट वाला जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 है आपका, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, वेरी सिंपल। अब करना क्या, देखो ये कार्बन नंबर 1 पे अगर आपने OH ऊपर रख दिया एक बार, OH अप, तो इसका जो ये वाला H है ये कहाँ रहेगा, डाउन में, ओके, एक कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आप ऐसा बना लें, आंख बंद करके पहले आप ऐसा बना लें, एक कंडीशन और क्या कर सकते हैं कि H को मैं अप रखूं और OH को डाउन में, तो ये भी एक कंडीशन है, तो ये भी हमने कर दिया। नाउ बाकी ग्रुप कहाँ लगाएंगे, तो आप ध्यान से समझो, तो ये कार्बन नंबर 1 का हो गया कि उस पर OH अप या डाउन कर सकते हैं हम, कार्बन नंबर 2 पे OH आपको किधर दिख रहा है वो देखो, कार्बन नंबर 2 पे OH राइट में दिख रहा है, तो क्या कर देना है RD, तो राइट में दिख रहा है तो OH कहाँ पे आ जाएगा, डाउन में, तो H अपना आप कहाँ पे है, ऊपर में। कार्बन नंबर 3 पे H आपका राइट में है, तो H राइट में है तो इसका मतलब H आपका डाउन में होगा, तो OH कहाँ पे हो जाएंगे, अप में। कार्बन नंबर 4 पे OH राइट में, राइट मतलब डाउन, RND, तो OH को डाउन करना है तो H अपने आप कहाँ पे हो जाएगा, अप में। कार्बन नंबर 5 जो ऑलरेडी आपका O से ये कनेक्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यही वाला है राइट, 5 पे आपको हमने क्या बोला है कि जो लास्ट वाला CH2OH होगा वो ऑलवेज अप, CH2OH को ऑलवेज अप, इसलिए 5 पे तो ऑलवेज अप आपको दिखाना है CH2OH, तो ये H हो गया। तो ये देखो मैंने डी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया उसके हावर्थ प्रोजेक्शन में। नाउ अब इसका क्या नाम होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका नाम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, वेरी सिंपल, आपका जो OH है वो कहाँ पे है, ऊपर में, अबव में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आप ही बता दो, तो नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, क्या नाम हो जाएगा, बीटा डी, डी क्यों, क्योंकि डी ग्लूकोज था डी कॉन्फ़िगरेशन में, बीटा क्यों लगाया, क्योंकि OH अप। सिमिलरली जिसको एक बार नहीं समझ आया फिर से देखो, इसका दूसरा स्ट्रक्चर मैं ऐसे ही बना सकता था राइट, इसमें क्या क्या OH डाउन में क्या, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। नाउ द क्वेश्चन इज कि 2 पे वही सेम पॉइंट, आपको क्या करना पड़ेगा, OH राइट में तो डाउन में, 3 पे OH लेफ्ट में, डेट मीन्स H डाउन में, तो ये फिर H राइट में तो H डाउन में आ जाएंगे, तो OH आपका अप में आ जाएगा, 4 पे OH राइट में तो डाउन में आ जाएंगे, 5 पे CH2OH ऑलवेज आपको कहाँ रखना, अप में। नाउ इसका नाम क्या हो जाएगा, चूंकि आपका OH डाउन में, या फिर यहाँ पे H से पता कर सकते हैं H अप में, तो सिर्फ नाम इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज क्यों, क्योंकि डी कॉन्फ़िगरेशन से बनाया, अल्फा क्यों, क्योंकि H अप आ गया, तो ये अल्फा और बीटा का ये कहानी है। नाउ ये जो ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन नंबर 1 है, डैट मीन्स वो कार्बोनिल कार्बन जिस पर अटैक हुआ, ये वाला वो कार्बोनिल कार्बन जिस पर अटैक हुआ है, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, सब पॉइंट ध्यान से समझना, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कार्बोनिल कार्बन पे जो अटैक हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो कार्बन है उसको बोलेंगे, डैट मीन्स कार्बन नंबर 1 को एनोमेरिक, और आप कैसे पहचाने कार्बन नंबर 1 कौन है, तो ऑक्सीजन के राइट साइड वाला को आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके चला जाना है, ओके आप उल्टा भी कर सकते हो तो फिर ऐसे होता है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने राइट साइड का ऐसे रखा है।
तो ये एनोमेरिक कार्बन है। इस एनोमेरिक कार्बन पे चूंकि OH प्रेजेंट है, अगर कभी भी एनोमेरिक कार्बन पे अगर एटलीस्ट वन OH है, अगर OH प्रेजेंट है, तो ऐसे शुगर को बोलते हैं फिर रिड्यूसिंग शुगर। ये सब भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये अभी इस कंडीशन में क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। वैसे ही ये एनोमेरिक कार्बन है, इस पे OH प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये OH रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूस होने के लिए, दैट मीन्स फर्दर ऑक्सीडाइज होने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि रिड्यूसिंग पहचान लेंगे, एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है, जो ये जो कार्बन है, इसने एक तो ये इधर COC मतलब ये एक ईथर लिंकेज बनाया, इधर से एक ईथर लिंकेज बना, अभी भी इस पे एक OH है, तो चूंकि ये अल्डिहाइड से बना है तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, इसको एक और नाम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हेमी एसिटल, क्योंकि अभी इसमें एक OH है, एक ही आपका ईथर लिंकेज है। अगर एनोमेरिक कार्बन पे एक ही ईथर लिंकेज होगा तो उसको बोलेंगे हेमी एसिटल, यहाँ भी एक ही ईथर लिंकेज है, तो इस ये भी क्या हो गया, हेमी एसिटल। एसिटल क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड से बना है, अगर कीटोन से बनता है तो क्या बोलते हैं, कीटल। तो बहुत सारे पॉइंट इसमें हमने समझाया है, आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे मैंने एक ग्लूकोज को लिया है, और जरूरी नहीं कि कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, उसका मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन को अवर्थ में, और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब क्या है, एनोमेरिक कार्बन किसको बोलते हैं, कब आप बोलेंगे किसी शुगर को कि वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग, अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग होगा, नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होंगे, और ओनली जो सुक्रोज है वही नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारे शुगर रिड्यूसिंग है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एंड हेमी एसिटल या हेमी कीटल से आप क्या समझते हैं, अल्फा नेमिंग कब करेंगे, बीटा नेमिंग कब करेंगे, और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। नाउ एक और एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है राइट, और ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 3 पे ही सिर्फ चेंज है, तो आपको बताया था ये कौन सा हो जाएगा आपका, फ्रक्टोज, ये आपका हो गया फ्रक्टोज, और ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड में है, तो ये डी फ्रक्टोज हमने लिया है। अब इसका हावर्थ प्रोजेक्शन में, तो पहले आपको बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर करके पहले एक 5 मेंबर रिंग बना देना है विथ 4 कार्बन, ये बना दिया। उसके बाद ध्यान से देखो, ये वाला जो OH का लोन पेयर है, ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, अगेन अटैक बोथ साइड से हो सकते हैं, तो इस कार्बन पर ग्रुप क्या है, एक तो ये CH2OH है, और जब ये अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के एक OH आ जाएंगे राइट। तो वही चीज़ है, ये वाला कार्बन नंबर अगर मैं 2 मान रहा हूँ, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 ऑलरेडी आपका आ चुका है, तो अगर इसमें OH अप है तो CH2OH, ये कंडीशन हो सकते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, वही चीज़, आँख बंद कर करके पहले आप क्या करें, एक 5 मेंबर रिंग बना दें राइट, ये हमने बना दिया। अब दूसरा कंडीशन उल्टा हो सकता है कि ये CH2OH अप हो, क्योंकि बोथ साइड अटैक हो सकता है, और OH डाउन हो, तो ये कार्बन नंबर 1 है, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5। नाउ 1, 2 तो हो गया, 3 पे आप देखो H आपका कहाँ पे है, राइट में, तो राइट है तो मतलब डाउन में, तो OH कहाँ चला जाएगा आपका, अप। 4 पे OH राइट में, मतलब डाउन दिखाना है, तो ये OH डाउन राइट, यहाँ पे कुछ नहीं तो कौन है, H। और जो 5 वाले हैं उस पर क्या आपका CH2OH, उस पर ऑलवेज अप रखना CH2OH को, तो CH2OH अप हो गया तो H अपने आप कहाँ हो जाएंगे, डाउन में। सिमिलरली अगर यहाँ से समझे, तो ये दोनों चीज़ें तो अटैक करने की वजह से अप डाउन हो सकती हैं, 3 पे आपका H राइट में है तो डाउन में होगा, तो OH अप में हो जाएंगे, 4 पे OH राइट में तो डाउन में हो जाएगा, 5 पे ऑलवेज CH2OH आपको अप रखना है, तो ये मैंने अप रख दिया, तो ये डाउन हो गया। नाउ अगेन इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे OH आपका कहाँ है, अप में, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें क्या वर्ड आ जाएगा आपका, बीटा, और डी फ्रक्टोज तो रहेगा राइट, बीटा डी फ्रक्टोज, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज, वेरी सिंपल राइट, क्योंकि OH यहाँ पे डाउन में, तो अल्फा डी फ्रक्टोज।
अगेन ये वाला यहाँ पे कार्बन नंबर टू जो है वो एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, तो इसलिए यह कैसा होगा, रिड्यूसिंग एनोमेरिक कार्बन पे, डैट मीन्स कार्बोनिल कार्बन वाला जो कार्बन है उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH प्रेजेंट है तो रिड्यूसिंग होगा, यहाँ भी कार्बोनिल कार्बन ये है, OH प्रेजेंट है, तो ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है आपका। और जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें एक ही ईथर लिंकेज है, आर ओ आर एक ही है राइट, बाकी नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेमी। और चूंकि ये कीटोन्स आया तो हेमी कीटल। अगर मान लो कि इस हेच को हटा करके मैं अगर कोई और कार्बन ऐड कर देता तो ये एनोमेरिक कार्बन दो ईथर लिंकेज बना रहा होता, तो इसलिए फिर बोलते उसको सिर्फ कीटल, और अभी आधा ही बना है तो हेमी कीटल, ये भी क्या हो जाएगा आपका, हेमी कीटल। तो आई होप ये आपको कन्वर्जन, रिड्यूसिंग होगा नॉन रिड्यूसिंग होगा, एसिटल कीटल कब बोलेंगे, ये सब बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नाउ जाते जाते एक ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने यहाँ पे एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिया और इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में किसी अल्कोहल से कराएंगे, तो ये जो अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये यहाँ पे जाकर के आपका अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका कैसा बन जाएगा, CH3 इस कार्बन पे आपका वो OH आ गया, H हो गया, और ये वाला OR आपका आ चुका। R कोई भी एल्काइल ग्रुप होंगे राइट, लाइक CH3OH ले सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट बना ये अल्डिहाइड से बना है, तो इसको बोलेंगे हेमी एसिटल। क्यों, क्योंकि अभी भी इस पे एक OH प्रेजेंट है, अभी एक ही ईथर लिंकेज है, वन ईथर लिंकेज अगर होगा तो आप उसको बोलेंगे हेमी एसिटल। अगर फर्दर इस पे मैं वन मोल H प्लस एंड ROH ले लेता एक और मोल, तो फिर क्या होता, ये H प्लस इसको OH को वाटर के फॉर्म में निकाल करके ये फिर से OR अटैच हो जाते, तो ये CH3C इस पे फिर से OR, H और OR, तो यहाँ पे दो ईथर लिंकेज हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिर्फ एसीटल, इसको बोलेंगे एसीटल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे क्या है, दो ईथर लिंकेज है आपका। सिमिलरली अगर कीटोन अगर हमने लिया होता फंक्शनल ग्रुप में, तो फर्स्ट केस में वही चीज कि ये इस पे जाकर के अटैक करता तो आपका कौन जाता, CH3COH, इधर CH3 था ही आपका राइट, और ये OR, तो यहाँ पे अगेन एक ही ईथर लिंकेज है, तो इसका नाम हो जाएगा हेमी, और चूंकि ये कीटोन से बन रहा है तो इसको बोलेंगे कीटल। सिमिलरली अगर एक मोल और H प्लस आपने लिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, वन मोल और लेते तो ये वाटर आपका निकल जाता और ये OR आ जाता, तो ये CH3COR, इसका CH3 पहले से ही है, तो यहाँ पे दो ईथर लिंकेज हो गए COC वाले, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा फिर कीटल। तो हेमी मतलब एक OH प्रेजेंट होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कि सर ये इंपॉर्टेंट तो ठीक है, इसका यूज क्या, देखो यूज क्या है उसको मैं एक क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, कि अगर आपने ये रिएक्टेंट लिया और आप प्रोडक्ट ये चाह रहे हैं, डैट मीन्स सिर्फ डबल बॉन्ड को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, अल्डिहाइड को वैसा ही रखना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट H2 और NI यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूज करेंगे तो ये डबल बॉन्ड को तो हटा के सिंगल कर देगा और अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, जो कि मेरे रिड्यूसिंग वाले ट्रिक में आपको दे रखा हूँ, तो हम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। तो फिर करें क्या, तो आपको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये जो एक्चुअली हम कर रहे हैं वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो प्रोटेक्ट करना हमें, तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो आप वही अल्कोहल वाला ऐड कर दीजिए, तो क्या करेगा ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, और ये कार्बन से ये वाला OCH2 ये आपका इस तरीके से प्रोटेक्ट हो गया, ये ईथर लिंकेज डायरेक्ट हमने क्या बना दिया, अल्डिहाइड था तो डायरेक्ट हमने एसीटल बना दिया, क्योंकि दो OH थे राइट, तो ये प्रोटेक्ट हो गया। ईथर पे कभी भी अब रिएक्शन नहीं होगी इस पे, इवन दो ग्रिग्नार्ड एजेंट भी अगर आप RMGX भी अगर लोगे तो भी ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये प्रोटेक्ट हो गया। अब इस पे आप क्या करो, H2NI ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CH2CH2, और ये जो C था आपका जिसपे एक H पहले से है राइट,
और इसका ये ऑक्सीजन के साथ ही आपका कनेक्ट हो गया। अब इसका क्या कर दो आप, हाइड्रोलिसिस कर दो आप, इस पर वाटर डाल दो तो आपको ये मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से प्रोटेक्शन वाला काम चलता है कि अगर किसी को रिड्यूस करना है किसी को नहीं करना है तो फिर हम इस तरीके से करते हैं। तो ये ज्ञान की बात भी जो मैं देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर आप देखा करें। ज्ञान की बात में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमने एक फिक्स्चर प्रोजेक्शन बनाया, इसका हवार्थ प्रोजेक्शन आपको कैसे बनाना है बता दिया, राइट। आपको पहले आँख बंद करके इस टाइप का एक 6 मेंबर वाला रिंग बना लेना जिसमें एक ऑक्सीजन हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको क्या करना था कि नंबरिंग कर देना था, राइट। इधर से ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, राइट। यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएंगे। तो 5 वाले पे CH2OH, जो 5 वाला कार्बन है उस पे जो CH2OH है वो ऑलवेज अप करना था, राइट। उसके बाद हमने क्या बोला था कि आपको ये एनोमेरिक कार्बन पे आप जैसे भी चाहो, अगर मैं OH को अप रखा तो H को डाउन एंड वाइस वर्सा, तो वो तो डिपेंड करेगा अल्फा बीटा। तो मैं कोई एक पार्ट बना लिया, कार्बन नंबर 2 पे OH राइट में है तो क्या कर देना है, डाउन, राइट। कार्बन नंबर 3 पे OH राइट में है तो क्या कर देना है, डाउन, राइट। कार्बन नंबर 4 पे OH लेफ्ट में है तो क्या कर देना आपको, अप। और 5 पे CH2OH ऑलवेज। तो ये मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन से, ध्यान से देखो, एक फिशर से क्या बना लिया, हावर्थ प्रोजेक्शन बना लिया। नाउ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कायरल कार्बन कितने थे, इस स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन कितने थे, तो ध्यान से देखो 4 थे। ये कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप डिफरेंट, ये भी हैं और ये 4 कायरल कार्बन थे। बट जब आपने हावर्थ प्रोजेक्शन बनाया तो कायरल कार्बन कितने हो गए, ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो कायरल कार्बन क्या हो गया, एक इंक्रीज हो चुका है, 5 कायरल कार्बन हो गए। तो कहने का मतलब है कि फिशर में 4 हैं और हावर्थ में 5 है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने माइंड को, आँख को, दिमाग को पूरा खोल के रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में और वहाँ पे माइंड काम ही नहीं करता है कि इसमें कितना कायरल कार्बन है उसमें कितना है। तो यू हैव टू बी केयरफुल।